Hello, Mr. Sriya Kalki. I'm Chowda Kamilashay. I hope you have a nice day. If not, then check out some last videos. Link in the description or in the I button. And welcome back to a brand new video of the Thailand Travel Vlog series. So now it's around 6:21 in the morning and I'm not taking a bath yet because today we're going to go on the beach. That's why I'm wearing my t-shirts, shorts, and I'm going to wear my स्लीपर्स. सो फर्स्ट ही लेट्स डू द ब्रेकफास्ट एंड देन गो टू द बीच. तो फिर अभी ब्रेकफास्ट करके हो चुका है, अभी हम लोग को बीच पे जाना है. तो बस से बीच तक जाने के लिए 5 से 10 मिनट लगेगा, तो मैं आपको सीधा बीच पे मिलता हूँ. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories. बीच राइड ना हो, और सबसे पहले अभी हम लोग स्पीड बोट राइड करने वाले हैं. मेरे पीछे ये बीच और वो वहाँ पे स्पीड बोट्स हैं, तो स्पीड बोट राइड पहले करने वाले हैं. उसके बाद पैरा सीलिंग करने वाले हैं डेक पे, वहाँ पे डेक पे लेके जाएंगे, फिर पैरा सीलिंग करेंगे. तो पहले स्पीड बोट में जाते हैं. यहाँ पे पैरासेलिंग डेक पे आ चुके हैं. वहाँ पे पैरासेलिंग डेक है और बहुत छोटी राइड थी, जैसे स्पीड बोट का बहुत छोटा था, मेरा बहुत 2-3 राउंड तो लगा. अपन एक स्ट्रेट लाइन में आ गए और यहाँ पे पहुँच गए, तो अभी पैरासेलिंग करते हैं. अभी पैरासीलिंग करके आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. इतना भी कुछ डर होने वाला नहीं था, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऊपर जाता है तो थोड़ा सा डर लगता है, बाद में बिल्कुल डर नहीं लगता. बाद में बहुत अच्छा लगता है, पूरा हवा हवा, पूरा लाइक पूरा थाईलैंड दिखता है ऊपर से, बहुत मज़ा आता है. मैं थोड़ा सा पता नहीं मेरी मम्मी ने माउंटेज अच्छे से लिया रहेगा कि नहीं रहेगा, तो तभी मैं भी एक माउंटेज ले लेता हूँ जिसमें मैं नहीं रहूँगा, कोई और फ्लाई करा रहेगा, वो दिखाता हूँ. बहुत मज़ा आया. तो फिर भी पैरासीलिंग करके तो हो गई, अभी हम लोग जा रहे हैं और एक स्पीड बोट से बीच की ओर. वहाँ पर हम लोग स्विमिंग विमिंग कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री टाइम है, खेल सकते हैं वहाँ पर. तो फिर वहाँ जाके मिलता हूँ सीधा. Carve your name into those shining stars. He said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say. और एक दूसरे शिप पे आ गए हैं जहाँ पे अंडर सी वॉक होता है, तो अभी अंडर सी वॉकिंग करेंगे, चलो जाते हैं. और आज के दिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, लाइक पहले पैरासीलिंग किया, अभी अंडर सी वॉक, बहुत मज़ा आने वाला. मतलब हाँ, अपन मैं नीचे रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज मेरा कैमरा वाटर प्रूफ नहीं है, इसलिए उसका रिकॉर्डिंग नहीं आएगा. इसलिए मैं आपको सीधा ऊपर आके एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना. ओके, तो आई एम बैक फ्रॉम द सी वॉक. इट वॉज इट वॉज लाइक बिट सिमिलर टू द स्कूबा डाइविंग, बस इसमें ये चेंज है कि हम लोग वो स्कूबा डाइविंग में सूट की जगह एक सिर्फ हेलमेट पहनते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला हेलमेट, और नीचे जाते हैं, वॉक करते हैं, पूरा कोरल्स दिखाते हैं वो लोग, बाद में हम लोग को हाथ में उनका फिश का फूड देता है जिससे फिश अट्रैक्ट होते हैं हम लोगों के पास. और अभी अभी एक घंटे का बीच पे ऐसा रेस्टिंग टाइम है, आपको एंजॉय करना तो एंजॉय भी कर सकते हैं. लेकिन हम लोग यहाँ पे भी जेट स्की है, बनाना बोट है, उसमें जा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली स्विमिंग कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो नारियल पानी भी पी सकते हो यहाँ पे. और किसको बियर वियर पीना है तो बियर की भी जगह है यहाँ पे, बार है यहाँ पे, वो कर सकते हो. तो अभी तो फुल चिलिंग टाइम है, एक घंटा, तो मैं आपको अच्छा एक मोन्टाज दे देता हूँ पूरे बीच का. तो लेट्स गो. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. अभी स्विमिंग करके हो चुका है, पूरा डीप तक गए थे, मजा आ गया बहुत. लेकिन आज के दिन बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन पैरासीलिंग किया, बाद में सी वॉक किया, बाद में ऐसा स्विमिंग किया, बाद में सोचा अभी सोच रहा है कि रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में जाके भी स्विमिंग करेंगे, देखते हैं. अभी यहाँ से निकलना है एक स्पीड बोट से और वहाँ पहले चेंज करेंगे, फिर लंच करने के लिए जाएंगे, बिकॉज पूरा लाइक गीला ऐसे ऐसे ही निकल सकते, और बस में बहुत ठंडी लगने वाली है बिकॉज बहुत अच्छा ए सी है बस के अंदर और सब गीले हैं, बहुत ठंडी लगने वाली है अभी. तो फिर अभी स्पीड बोट से निकल के यहाँ से मैं आपको सीधा रूम में मिलता हूँ, नहीं तो लंच करना पड़ूंगा, रूम में मिलता हूँ मैं आपको सीधा.
तो अभी आ चुके हैं बीच से रूम पर, और अभी मेरा नहा के भी हो चुका है। अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ बेड पे, बिकॉज बहुत थक गया हूँ वहाँ पे जाके। लाइक पैरा का क्या 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 पैरा सीलिंग किया, बाद में सी वॉक किया, बाद में ऐसी स्विमिंग कर रहे थे बीच पे। और आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं कर पाया बिकॉज फुल टाइम ऐसा गीला गीला था मैं, तो मुझे ऐसा मेरा ट्राईपॉड ऐसा टूट गया। वैसे मुझे अपना कैमरा नहीं कुछ तोड़ना या ख़राब नहीं करना कैमरा को, इसलिए अभी थोड़ा सा अभी आराम करना है, बाद में लंच करने के लिए जाना है। तो फिर मैं आपको सीधा लंच के टाइम मिलता हूँ। तो फिर अभी मैं आपको आगे का प्लान बताता हूँ। इट्स अराउंड 2:26 राइट नाउ, और हम सब लोगों को 4 o'clock को बस स्टॉप के पास मिलना है। पूरे ग्रुप को 4 o'clock को बस के पास मिलना है, और वहाँ से हम लोग जाएंगे पटाया टावर, उसके बाद जाएंगे हम लोग थाई मसाज के लिए। तो फिर मैं आपको सीधा फर्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलता हूँ, जो रहेगा पटाया टावर। पटाया टावर जंपिंग एक्टिविटी वेयर वी हैव 3 ऑप्शंस ओवर हियर ऑफ जंपिंग, वेट आई विल शो यू दैट। द फर्स्ट वन इज लाइक द कपल जंपिंग लाइक दैट, एंड देन इज द सिंगल जंपिंग, एंड देन इज द केबल कार वन। नो वन विल बी डूइंग द केबल कार वन बिकॉज वी हैव डन केबल कार राइड अ लॉट्स ऑफ टाइम, सो मोस्टली थिंकिंग ऑफ डूइंग अ कपल वन और अ सिंगल वन, सो लेट्स ट्राई इट। So just like the KL Tower, the Pattaya Tower also has an observation deck which is on the 55th floor. So here I am, and I will give you a quick montage of this view because it's an awesome view over here. It's a 360 view we get over here. So let me give you a nice montage. पटाया टावर, और अभी सीधा जंप करने जा रहे हैं हम लोग। तो लेट्स गो फॉर द जंपिंग। That was the Pattaya Tower, and the floor from which we are released is 56th floor, and we directly land over here in the camp behind me. So I thought firstly it would be fast, that's why I was scared. Like then it was like very slow, so I was not scared afterwards. So if you're coming to Thailand, please visit this place and do the single jump because it's nothing. You will think that it will be scary for you, but in the end it will be not when you do the single jump. In the starting I was also scared, but my dad told me that just do it because you're not going to come here again and going to experience this thing. So just experience this right now and do it. तो फिर अभी पटाया टावर के बाद सब लोग जाने वाले हैं थाई मसाज के लिए, फुल एकदम रिलैक्स होने के लिए, बिकॉज आज का दिन बहुत थक गए हैं लोग, इसलिए पूरा रिलैक्स होने के लिए हम लोग भी थाई मसाज के लिए जाएंगे। तो अभी सीधा थाई मसाज पे मिलता हूँ। Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip. We are here at the Thai massage, and the special thing about the Thai massage is that they don't use any oil or lotion. So let's do the Thai massage, and I will tell you afterwards how was the experience. मसाज करके हो चुका है सबका, जो थकावट था वो निकल चुका है। सुबह से वो खेल रहे थे या बीच पे मस्ती कर रहे थे, उसका पूरा थकावट निकल चुका है। और अभी यहाँ से हम लोग निकल के सीधा डिस्को जाने वाले हैं, मोस्टली अभी डांस करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। At the disco, it's called the Mumbai Magic, so let's dance. My father told me.